Hi chess lover, myself Manav Saxena, PG instructor. Classical Bishop Sacrifice part 2 में आपका स्वागत है. अगर आपने मेरा first part नहीं देखा है तो उसको भी please देख लीजिएगा, जिससे कि ये position समझना easy हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो ये position आपको जैसे दिख रहा है, white को black पर king side attack लगाना है, जिसके लिए white ने move किया pawn e5 95. जैसा कि हमारा टॉपिक है क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस, तो यहां पर वाइट सेक्रीफाइस करेगा अपने बिशप को. बिशप क्रॉस h7 चेक, किंग h8 मूव के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं. ब्लैक ने प्ले किया k क्रॉस h7. अब हम यहां पर अटैक करने के लिए ले जाएंगे नाइट को g5. किंग g8, किंग h8, किंग h6, ये सारे मूव्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंग g6 मूव के बारे में. ब्लैक ने मूव किया किंग g6. तो यहां पर ब्लैक के किंग पर अटैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि qd3, qc2, qg4. इन तरीकों से भी ब्लैक पर अटैक किया जा सकता है, लेकिन ऐसी पोजीशन में जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है h4. h4 जो है वो आइडिया ये है कि नेक्स्ट मूव में हम h5 करेंगे. सपोज कि हम ये धमकी दे रहे हैं, जैसे कि वाइट ने ब्लैक ने सपोज कोई अच्छा मूव नहीं चला, ब्लैक ने प्ले किया knight e2 knight, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नाइट को कैप्चर किया, उसने बिशप को कैप्चर, बिशप टू सी. तो हमारा थ्रेट है h5. अगर किंग आता है f5 पर तो qf3 चेकमेट, और अगर किंग इस पोजीशन में जाता है h6 तो हमारा डिस्कवर अटैक लग जाएगा. नाइट क्रॉस e6 या नाइट क्रॉस f7, बोथ आर राइट. किंग h7 देन नाइट क्रॉस. और अगर यहां पर ब्लैक मूव करता है इस पोजीशन में किंग e8, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम जाएंगे h5, अगेन किंग f5 पर नहीं आ पाएगा. f5 पर आता है तो qf5 चेक, नाइट f4, क्वीन क्रॉस नाइट चेक नीट. और अगर इस पोजीशन में किंग जाएगा h6, हम यहां प्ले कर सकते हैं qg4. आइडिया है नाइट क्रॉस e6 डिस्कवर चेक बिशप का, और नेक्स्ट मूव में q क्रॉस g7 चेकमेट. यहां पर चेकमेट हो रहा है, तो चेकमेट को बचाने के लिए अगर वो खेल प्ले करता है रुक g8 देन नाइट क्रॉस f7 डबल चेक, बिशप का चेक एंड नाइट का चेक. किंग जाएगा h7 then qg6 checkmate. तो इस पोजीशन में हमें ब्लैक की तरफ से एक ही लॉजिकल मूव समझ में आ रहा है, वो है रुक h8. रुक h8 का आइडिया ये हो सकता है ब्लैक का कि अगर हम पॉन को मूव नहीं करें, मूव करेंगे तो रुक से कैप्चर कर देंगे. लेकिन फिर भी इस पोजीशन में सेक्रीफाइस करना वाइट के लिए बहुत अच्छा है. तो वाइट ने पॉन सेक्रीफाइस किया h5, रुक क्रॉस h5. पॉन सेक्रीफाइस का आइडिया यह है कि यह रुक एक तरह से अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि इस रुक पर केवल किंग का प्रोटेक्शन है, और किंग ज्यादा देर तक तो बाहर रहेगा नहीं, किंग को अंदर जाना पड़ेगा, और जब यह किंग अंदर जाएगा तो यह रुक कैप्चर हो सकता है. तो अब इस रुक को खराब पोजीशन में भेजने के बाद हैंगिंग हो गया है रुक, तो वाइट अटैक करेगा qd3. अच्छा, qc2 उतना अच्छा मूव नहीं है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्वीन यहां से नहीं प्ले कर सकता. लेकिन क्वीन d3 में क्वीन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है यहां से मूव करने की रैंक से.
तो व्हाइट ने मूव किया, सॉरी व्हाइट ने मूव किया qd3, qd3 चेक। अब एक ही लॉजिकल मूव समझ में आ रहा है, वो है f5। h6 चेक कर नहीं सकता, h6 देन चेकमेट। तो इस पोजीशन में ब्लैक ने मूव किया f5, व्हाइट ने किया n पासेंट। अब यहां किंग से कैप्चर करना कंपल्सरी हो गया, k क्रॉस f6। अब देखिए जो हमने पॉन सेक्रीफाइस किया था h5 पर, उसका फायदा कैसे मिलेगा। हमने यहां मूव किया qf3, डबल अटैक, किंग पर अटैक और रुक पर अटैक। अब किंग को रुक पर प्रोटेक्शन देने के लिए वापस आना पड़ा। देन qf7 चेक, किंग h6, देन नाइट क्रॉस e6 चेक, किंग h7 एंड क्यू क्रॉस g7 चेकमेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए इसे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।